हमारा आज का गीत है जीवन के दिन छोटे से ही। ये गीत मूवी बड़े दिलवाले से है जो 1983 में रिलीज हुई थी। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। 1953 में फिल्म बागी के लिए मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया ये गीत पीछे देखने और आगे बढ़ने के बारे में कवि की उदासी को व्यक्त करता है। असरार उल हसन खान ने मजरू नाम को अपने उपनाम के रूप में लिया था, जिसका अर्थ होता है घायल। जी हाँ, और लगभग इसे जिया भी। प्रगतिशील लेखक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो आज़ादी के बाद की निराशा से आहत थे। वो इस तथ्य से आहत थे कि एक कवि गीतकार के रूप में उन्हें उनका हक नहीं मिला, बावजूद इसके कि वो अपने साथियों के बीच सबसे अधिक प्रतिभाशाली और स्थायी व्यक्ति थे। वो व्यक्तिगत त्रासदियों से आहत रहे और एक प्रदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने कभी नहीं त्यागा, हमेशा देते रहे। 1950-60 के बीच गीतकारों जैसे साहिर, शकील, बदामिनी और शैलेंद्र की जबरदस्त जो चौकड़ी थी, उसका वे एक हिस्सा थे और 50 साल तक करीब 300 फिल्मों तक वो जुड़े रहे, इस तरीके से फिल्मों में काम करते रहे। KL सैगल से लेकर शाहरुख खान तक उनके शब्दों ने हर पीढ़ी पर असर डाला। वे मुजरे की कामुकता और कैबरे के आकर्षण को भी आसानी से व्यक्त कर सकते थे। वे सपने जगा सकते थे, जोश जगा सकते थे, प्यार जगा सकते थे। मजरू ने उम्र को अपने दिल और कला पर हावी नहीं होने दिया। उनकी अपरिवर्तनीयता का इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है कि मोनिका ओ माय डार्लिंग लिखे जाने के 50 साल बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग पर आज भी वो जादू कर रहा है। 1945 में मजरू साबू सिद्दीकी के इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे में भाग लेने के लिए बॉम्बे गए, जहाँ वे फिल्म निर्माता AR कारदार से मिले। कारदार का उस वक्त बोलबाला था। कारदार उनकी उत्तम तरन्नुम और बेहतरीन तलफ्फुज़ से प्रभावित हुए और उन्हें 1946 में बन रही फिल्म उस दौर में शाहजहां ऑफर की। नौशाद द्वारा रचित शाहजहां के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि KL सैगल की इच्छा थी, जो जमाने के बड़े मशहूर सिंगर थे, कि इस फिल्म का गीत जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे उनके अंतिम संस्कार में बजाएं। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट। इसके बाद मजरू को 1947 में बन रही SK ओझा की फिल्म डोली और 1950 में शाहिद लतीफ की फिल्म आरजू के लिए भी साइन किया गया, लेकिन जल्दी उन्होंने खुद को विभाजन के बाद भड़के दंगों के बीच अपने आप को एक भगोड़ा पाया, उन्हें भागना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि एक गरीब मजरू शरण लेने के लिए बम्बई के रंजीत स्टूडियो में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात नरगिस की माँ जद्दनबाई से हुई, जिन्होंने जाहिर तौर पर उन्हें 8 महीने तक आश्रय दिया। उन्हें बड़ी सफलता नौशाद के साथ महबूब खान की 1949 में बनी एक लव ट्राइंगल फिल्म थी जिसका नाम था अंदाज, उससे मिली। नौशाद और मजरू की जोड़ी ने तू कहे अगर हम आज कहीं दिल खो बैठे और उठाए जा उनके सितम जैसे यादगार गाने दिए। लेकिन जब उनका कैरियर पंख लगा रहा था तो उनके वामपंथी लेखन, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की निंदा की थी, उसमें मुसीबत में डाल दिया। मजरू को 1949 में बलराज सहनी जैसे अन्य वामपंथियों के साथ जेल की सज़ा हुई। जब उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और वो 2 साल जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहे। उनका परिवार उस दौर में अत्यंत संकट में पड़ गया था। जब वो कैद में थे तब उनकी सबसे बड़ी बेटी का जन्म हुआ। उनकी मदद करने के लिए राज कपूर ने उन्हें उनको लिखने के लिए काम सौंपा, जिसके लिए मजरू को 1,000 रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने उस वक्त वो गीत लिखा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, जो बाद में 1975 में बनी राज कपूर की फिल्म धर्म कर्म का हिस्सा था। नौशाद और मजरू के बीच मित्रता उस समय अचानक समाप्त हो गई जब मजरू ने शकील बदायूनी के साथ 1954 में बनी गुरुदत्त की फिल्म आर पार के लिए ओपन एयर के साथ काम किया। फिल्म का एवरग्रीन सॉन्ग बाबूजी धीरे चलना, कभी आर कभी पार, ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, और सुन 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 जालिमा,
प्यार हमको तुमसे हो गया, ये सब गाने आज भी लोग याद करते हैं। 1955 में गुरदत्त मजरू और ओपी नेयर की टीम ने मिस्टर एंड मिसेस 55 पर काम किया और ठंडी हवा काली घटा और जाने कहां मेरा जिगर गया जी जैसे चार्ट बस्टर दिए। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। मजरू की आगे की दास्तान सुनेंगे, उनके लिखे गीत जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, और उसमें ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कादरे। गीत के बोलों को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत है जीवन के दिन छोटे सही। ये गीत मूवी बड़े दिलवाले से है जो 1983 में रिलीज हुई थी। इस गीत पर चर्चा करने हमारे साथ फिर मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जरूर। जीवन के दिन छोटे सही, हमके बड़े मतवाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े मतवाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। सुनील जी, इस गीत की जो पहली पंक्तियां हैं इसमें कैसा अध्यात्म छुपा है? जीवन के दिन छोटे सही, हम हैं बड़े दिल वाले, यानी जो भी परिस्थिति है चार दिन की, उसमें भी बड़ा मन रखकर अगर आप उन चार दिनों में अपना समय बिताते हैं, ये माना कि जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यार वो चार दिन भी, खुदा को पा गया वाइज, मगर है ज़रूरत आदमी को आदमी की। तो जब आदमी को आदमी की ज़रूरत है और उसी हिसाब से इन चार दिनों को बड़ा दिल रखकर बड़ा मन रखकर जब आप बिताएंगे तो इन लाइनों के साथ आप रहेंगे। बिल्कुल, सुनते हैं आगे की लाइनें। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल है, आगे ही क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े मतवाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। इस गीत में जिंदगी की अनसर्टेनिटी को बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। कल क्या हो किसे पता, आज हमारे हाथ में है, और जो छोटे छोटे पलों में भी खुशियाँ ढूंढ सके वो जीना जानता है जी। लेकिन हम हमेशा उन्हीं चीज़ों पे गौर करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे पास जो है उसमें खुश रहना, जिंदगी के छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढना, ये कैसे संभव है? वो कहते हैं ना कि छोटा हूँ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। पहली लाइन में कोई बात नहीं है, बात दूसरी लाइन में है। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। आंसू भी खारा है और समंदर का पानी भी खारा है, समंदर इतना बड़ा है लेकिन खारापन आप जीभ पर रखकर जो आंसू का अनुभव करेंगे वही इतने बड़े समंदर में से भी अनुभव करेंगे।
फिर जहाँ आपने वो बात कही है कि जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने हर पल को जिया है एक सदी की तरह। तो जब आप उस छोटे से पल को भी एक सदी की तरह जीते हैं तो फिर आप उस क्षण का भी पूरा आनंद ले रहे होते हैं। अब इसमें जो दूसरी बात आपने की, जिसमें आपने कहा कि छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना, तो वही छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढने वाली बात, एक और वो हेलन केलर की बात हमको याद आ गई अभी कि वे न तो देख सकती थी जी। और न ही सुन सकती थी, बावजूद इसने उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो उनका ये कहना था कि अक्सर हम बंद हुए दरवाजे की तरफ ही देखते रहते हैं, उस एक बंद दरवाजे के बाद जब 10 दरवाजे और खुलते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो उस एक बंद दरवाजे को छोड़कर जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हर एक पल में कहीं ना कहीं हम वो अपनी खुशी तलाश सकते हैं। बिल्कुल सही। इसमें एक बात और है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दृष्टि जो है वो सापेक्ष, जो सामने दिखाई देता है वो भी है और एक पीछे भी है बात। तो इसमें जो है ना कि इतनी फुर्सत कहाँ कि सोचें हम मतवाले। तो फिल्मी गाने ज़्यादातर सिचुएशन को सामने रखकर लिखे जाते हैं, वहाँ क्या दृश्य फिल्माया जा रहा है उस हिसाब से। तो ऐसा भी नहीं है जीवन को कि इतनी मस्ती में जिया जाए कि कल की बिल्कुल चिंता ही ना की जाए। मैथिली शरण गुप्त की भी एक पंक्ति हमें उसमें याद आ गई कि भविष्य का दृश्य आता, फिल्मों में दृश्य आ रहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ भविष्य का दृश्य आता, हाँ क्या दिखा कि विधि क्या दिखाता, विधि क्या दिखाएगा ये नहीं पता जी। तो इसलिए इतनी मस्ती भी ठीक नहीं है, फिल्म के पर्दे पर ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर होना जरूरी है जी। तो आइए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने जाने जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे तो हम मत वाले, ला 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 ला। इस गीत के बोल कुछ ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे कि कोई ऐसा इंसान गा रहा है जिसने जिंदगी के सारे पहलुओं के साथ हाथ मिला लिया हो जी। उसने दुख दर्द देखा है लेकिन वो उदास नहीं लग रहा जी। इस मकाम पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आता है, नफस के लोच में गम ही नहीं कुछ और भी है, नफस के लोच में गम ही नहीं कुछ और भी है, हयात सागरे सम ही नहीं कुछ और भी है। अब इसमें देखिए कि सिर्फ दुख ही दुख नहीं है जीवन, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इसमें दुख भी है और इसमें दवा भी है और दर्द भी है ना। तो गम ही नहीं कुछ और भी है और हयात सागरे सम ही नहीं कुछ और भी है। जीवन सिर्फ और सिर्फ विष का प्याला नहीं है, इसमें कुछ और भी है, इसमें एक खेल और भी है कि अगर हम ये कहें कि हयात सागरे सम ही नहीं, सागर कहने के बाद प्याले का मतलब होता है और सागर कहने के बाद समंदर का मतलब होता है। तो जीवन विष का समुद्र नहीं है, जीवन विष का प्याला नहीं है, और इसलिए दोनों बातें हैं। और जो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि उसने जीवन को बहुत करीब से देख लिया है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि दर्द भी है और दवा भी है, तो निस्संदेह ये जीवन दुख भी है और ये जीवन सुख भी है, ये जीवन विष भी है और ये जीवन अमृत भी है जी। जिंदगी में आपका मकसद खुश रहना और खुशियाँ बांटना, यही होना चाहिए। और जब हम जिंदगी के प्रति अपना नज़रिया बदलते हैं तभी जिंदगी हमारे प्रति नज़रिया बदलती है।
खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और चर्चा हो रही है मजरू सुल्तानपुरी के गीतों की। हालांकि मजरू ने अनिल विश्वास, मदन मोहन, रोशन, हेमंत कुमार, रवि और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सहित उस समय के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन SD बर्मन और RD बर्मन के साथ उनके संबंध विशेष बने रहे। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा फिल्म पेइंग गेस्ट, आंखों में क्या जीरो पहला बादल फिल्म 9-2-11, अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना, काला पानी और दीवाना मस्ताना हुआ दिल फिल्म बम्बई का बाबू जैसे हिट रोमांटिक गानों में मजरू और SD बर्मन की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। फिल्म ज्वेल थीफ का गीत होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई और ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा तथा चलती का नाम गाड़ी का गीत 5 रुपया बारह आना मारेगा भैया नाना नाना मजरू की कलम का ही कमाल था। वर्षों बाद 1973 में मजरू और SD बर्मन ने फिल्म अभिमान के लिए शास्त्रीय संगीत पर स्कोर किया, एक साउंड ट्रैक जो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी जैसे स्टार्स के साथ फिल्म का तीसरा स्टार था वो गीत। दिलचस्प बात यह है कि बर्मन दा और मजरू की जन्मतिथि भी एक ही थी। मजरू और डायरेक्टर नासिर हुसैन की पहली फिल्म पेइंग गेस्ट में वो लोग एक साथ आए। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया जिसमें तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो, फिर वही दिल लाया हूँ, ये सब शामिल हैं। मजरू ने तीसरी मंजिल के लिए RD बर्मन को नासिर हुसैन से मिलवाया था पहली बार। इस तिकड़ी ने 1966 से लेकर और 1977 के बीच 7 फिल्मों में तीसरी मंजिल, बाहरों के सपने, प्यार का मौसम, कारवा, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं में काम किया, जिनमें से सभी गाने सभी सदाबहार ट्रैक्स हैं। मजरू ने राज खोसला की फिल्म चिराग के लिए लिखते समय साथी कवि फैज़ अहमद फैज से प्रेरणा ली। उन्होंने नायिका की आंखों की मार्मिक सुंदरता को व्यक्त करने वाला गीत लिखा था जो देख नहीं सकती थी नायिका। एक दिन उन्होंने रेडियो पर नूरजहां द्वारा गाई गई फैज़ की गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमांग सुनने को मिली। गज़ल में पंक्तियां शामिल थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उन्होंने फैज़ को फ़ोन करके उन पंक्तियों को मुखड़े के रूप में उपयोग करने की अनुमति मांगी। बाकी इतिहास है, हम सभी जानते हैं कितना पॉपुलर हुआ वो गाना। वो नई पीढ़ी के साथ भी सहजता से काम कर सकते थे। मजरू ने नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर के लिए भी गीत लिखे। पिता रोशन के साथ काम करने के बाद राजेश रोशन की फिल्म दूसरा आदमी और पिता चित्रगुप्त के साथ काम करने के बाद फिल्म ऊंचे लोग में उन्होंने मजरू ने उनके बेटे आनंद मिलन के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमलका में भी काम किया। अनुकूलनता उनकी विशेषता थी, वो अपने आप को ढाल लेते थे, मोल्ड कर लेते थे। वो नौशाद की शास्त्रीय धुनों और RD बर्मन की रॉक एंड रोल शैली दोनों के साथ सहज थे। उन्होंने सनम, नशा, दिलरुमा, दिलबर और मोहब्बत सहित फिल्मी गीतों में उर्दू शब्द पेश किए। वो तैयार धुन पर गीत लिखने में अग्रणी बन गए। ये प्रवृत्ति तब से जारी है और आज तक है। फैज़ के साथ साथ मजरू को भी अपने समय का सबसे उल्लेखनीय गज़ल लेखक माना जाता था। उनका पहला कविता संग्रह गज़ल के नाम से 1957 में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा संग्रह था मिशाले जान, द टॉर्च ऑफ द सोल। उन्हें गालिब पुरस्कार और इकबाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि वे अक्सर गैर फिल्मी उर्दू शायरी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने में अपनी असमर्थता जताते थे। उन्होंने 1965 में चाहूँगा मैं तुझे सांस सवेरे फिल्म दोस्ती के लिए जो सत्यन बोस ने बनाई थी उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। और 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले वो एकमात्र लेखक हैं। जी हाँ, एक ही गीतकार थे जिनको सबसे पहले वो अवार्ड मिला। अपनी विशिष्ट शैली में उन्होंने एक बार अपनी जीवन यात्रा को सारांशित करते हुए कहा कि भाई मेरा तो जीवन क्या था, आधा इल्म और आधा फिल्म, यानी आधा ज्ञान और आधी फिल्म। अपनी निजी जिंदगी में मजरू को कई झटके झेलने पड़े थे। उन्होंने एक युवा बेटे को खो दिया था लेकिन अपने दुख में स्थिर रहे। उन्होंने निराशा को कभी भी आशा और खुशी के अपने गीतों को प्रभावित नहीं होने दिया। जाहिर तौर पर अपने एकमात्र जीवित बेटे के फिल्म निर्देशन के लिए संघर्ष करने के बावजूद मजरू ने अपने परिवार को बनाए रखने के लिए गीत लिखना जारी रखा। उन्हें ये कहते हुए उद्धृत किया था कि एक समय की बात है मैं दुनिया को बदलना चाहता था। ऐसा मजरू कहते थे क्या कि एक समय की बात है मैं दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में संतुष्ट हूँ। उन्होंने कथित तौर पर कहा अगर दो महीने भी रुक जाऊँ ना तो रसोई में आग नहीं जलेगी।
एक क्रांतिकारी, एक रोमांटिक वादी अपने जीवन के अंत में मजरूह दुख की तस्वीर थे। उन्होंने एक बार लिखा था, हमको जुनून क्या सिखाते हो, हमको जुनून क्या सिखाते हो, हम परेशान हैं तुमसे ज़्यादा। मजरूह कुछ समय तक फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित रहे और अंतिम दिनों में उन्हें निमोनिया का गंभीर दौरा पड़ा। वे 80 वर्ष के थे जब 24 मई 2000 को मुंबई में उनका निधन हो गया। मजरूह का अक्सर याद किया जाने वाला एक शेर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जानते हैं उसे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक्चुअली ये उनके जीवन का सारांश भी है। हमारा आज का गीत है जिंदगी इत्तेफाक है। ये गीत मूवी आदमी और इंसान से है जो 1970 में रिलीज हुई थी। साहिर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी अमर कविताएं उनके निधन के दशकों बाद भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उद्यमे नहि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म आदमी और इंसान के गीत जिसके बोल हैं जिंदगी इत्तेफाक है। गीतकार हैं चिरपरिचित हमारे साहिर लुधियानवी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।